हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट, एनआयटी पॉलिटेक्निक नागपूर. टुडेज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दॅट इज ओसी. इन प्रीवियस लेक्चर वी सी एक्सेप्टन्स सॅम्पलिंग. लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर आर, स्टुडंट आर एबल टू नो अबाउट ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. This is a normal operating characteristics curve or ideal operating characteristics curve. So, yahan pe kya hai? On the y-axis there is a probability of acceptance and on the x-axis there is a incoming percentage defective. Suppose in the lot there are 3 defective, okay, then what happens? What is the probability of that lot? Probability of that lot of acceptance is 100%. Lekin 3 ke agar upar mein defective ja rahe hai, so that lot is definitely unaccepted by the customer. In practice no ideal sampling plan exists. Ye kya hai? Ideal sampling plan aisa exist nahi hota hai. The meaning of above graph is ऑल द लॉट्स अबोव 3% डिफेक्टिव, मतलब 3% के ऊपर में जितने भी डिफेक्टिव आ रहे हैं आर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 0, अदरवाइज 100%. एक के ऊपर आ रहे हैं तो उसका एक्सेप्टेंस नंबर क्या होगा? 0, अदरवाइज 100%. तो दिस इज अ आइडियल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व. नाउ दिस इज द आल्सो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व. तो यहाँ पे क्या दिया है? ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, ओके, फ्रॉम 0 to 1, एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम 0 to 1, एंड ड्रॉ दिस कर्व. इट इज लाइक दैट. देन देयर आर द 4 रीजन. 1, दैट इज एक्सेप्टेबल क्वालिटी रीजन. 2, इनडिफरेंट क्वालिटी रीजन. देन 3, ऑब्जेक्शनल क्वालिटी रीजन, ओके. Then producer risk, consumer risk, HUL and LTPD. Okay, so one by one we see all these concepts in detail. So first one is the producer risk. Producer risk kya honga? Suppose since ideal sampling plan which will satisfy both the consumer and the producer is not possible. Matlab ideal sampling plan kya hota hai? Suppose wahan pe defect 3 defective hai, okay, 100 के लॉट में, तो लॉट क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए. दो आल्सो द कंज्यूमर विल रिजेक्ट दैट लॉट बिकॉज 3 डिफेक्टिव आर फाउंड देयर. तो ये रिस्क किसकी रहेंगी? टोटल लॉट रिजेक्ट होने की, दैट इज द रिस्क ऑफ द प्रोड्यूसर. सम कॉम्प्रोमाइज हैज टू बी मेड एंड दे हैव टू टॉलरेट सर्टन रिस्क. इफ द क्वालिटी इज गुड स्टिल फॉर सैंपलिंग प्लान सम लॉट्स आर रिजेक्टेड, द प्रोड्यूसर हैज टू सफर. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ एक्सेप्टेबल क्वालिटी रीजन, मतलब ये रीजन में जो भी क्वालिटी रहेंगी प्रोडक्ट की वो क्या होंगी? एक्सेप्ट होंगी. लेकिन यहाँ तक क्या कर रहा है? कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर में जो जा रहा है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इसके ऊपर अगर जा रही है, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है ये क्या कर रहा है? कंज्यूमर रिजेक्ट कर रहा है. मतलब ये रिस्क किसके तरफ आ गई? दिस इज अ रिस्क ऑफ द प्रोड्यूसर. मतलब अगर यहाँ के डिफेक्टिव इस लॉट में आ जाते हैं तो वो क्या करेगा? कंज्यूमर क्या करेगा? ये टोटली जितना भी लॉट है वो क्या करेगा? अनएक्सेप्टेड करेगा. मतलब वो जो रिस्क के वो बियर कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर बियर कर रहा है. तो दैट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर रिस्क. द प्रोड्यूसर रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड लॉट विच अदरवाइज वुड हैव बीन एक्सेप्टेड. मतलब गुड लॉट भी अगर कंज्यूमर, यहाँ पे जो लॉट है वो क्या है? गुड है. दो आल्सो द कंज्यूमर विल रिजेक्ट दैट, ओके. सो द प्रोड्यूसर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ रिलेटिवली बेटर प्रोडक्ट. तो हमेशा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है? खुद को प्रोटेक्ट करता है, तो दैट द रिजेक्शन ऑफ रिलेटिवली बेटर प्रोडक्ट नॉट बी हैपन. The producer can decrease the risk by producing product at better quality level than the specified HUL, depending on the economical consider. इसीलिए
जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है उसकी क्वालिटी को क्या रखता है, हमेशा हाई रखता है, सो दैट द प्रोडक्ट विल नॉट बी अनएक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर एट दिस लेवल। मतलब एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल के ऊपर में भी क्या करता है, वो अपनी क्वालिटी को डिजाइन करता है बाय टेकिंग द सर्टन इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोड्यूसर रिस्क। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर रिस्क। ओके, तो कंज्यूमर रिस्क मतलब क्या होगा, यहां पे यहां से लेके यहां तक जो रहेंगे प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव। ओके, तो इस रीजन में जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल रहेंगे। तो इफ द क्वालिटी इज बैड, मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, बैड है, स्टिल फ्रॉम द सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान मतलब 100 का लॉट है और आप अगर 3 पीस वहां पे सिलेक्ट कर रहे हो, ओके, और तीनों के तीनों आपको क्या आ रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, दो ऑल्सो द क्वालिटी इज अ बैड, दो ऑल्सो द कंज्यूमर विल सिलेक्ट दैट लॉट। ओके, कंज्यूमर क्या कर रहा है, सिलेक्ट लॉट कर रहा है, तो सफर कौन होगा, सफर विल कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव लॉट बीइंग एक्सेप्टेड व्हिच अदरवाइज वुड हैव बीन रिजेक्टेड, दैट इज द कंज्यूमर रिस्क। सपोज आपका एक्सेप्टेंस नंबर है यहाँ पे 3, आपको मिल रहे हैं यहाँ पे डिफेक्टिव 5, दो ऑल्सो कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये सभी लॉट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो बैड लॉट एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज द कंज्यूमर रिस्क। नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्यूएल। तो एक्यूएल क्या होता है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। इट इंडिकेट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव दैट कंज्यूमर एक्सेप्ट, मतलब 100 का लॉट है और वहां पे 3 डिफेक्टिव मिल रहे हैं, दो ऑल्सो द कंज्यूमर एक्सेप्टेड दैट लॉट, दैट इज द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। 100 के लॉट में उतना डिफेक्टिव आ सकता है, मतलब ये कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कंज्यूमर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्यूएल इज हायर, मतलब ये लेवल में क्या रहेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस द लॉट इज हायर। इन ओसी कर्व इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव व्हिच द कंज्यूमर फाइंड डेफिनेटली एक्सेप्टेबल, मतलब ओसी कर्व में क्या करता है, इट विल इंडिकेट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव दैट द कंज्यूमर फाइंड डेफिनेटली एक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ पे जितने भी डिफेक्टिव रहेंगे वो क्या करेंगे, कंज्यूमर डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। बट अबो दैट देयर इज अ चांसेस ऑफ रिजेक्ट द लॉट और एक्सेप्ट द लॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ अ डिफेक्टिव, दैट इज डिपेंड्स ऑन द ओनली कंज्यूमर नॉट ऑन द प्रोड्यूसर। एक्यूएल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैक्सिमम परसेंट डिफेक्टिव दैट फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन कैन बी कंसिडर सैटिस्फैक्टरीली एज अ प्रोसेस एवरेज, मतलब एक्यूएल क्या डिफाइन कर रहा है आपको, मैक्सिमम परसेंट डिफेक्टिव, सपोज 100 है तो 3 अगर आपके डिफेक्टिव आ रहे हैं, तो दैट इज द मैक्सिमम परसेंट डिफेक्टिव दैट वुड बी सैटिस्फैक्टरीली एक्सेप्टेबल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्यूएल शुड बी हाई, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट द प्रोड्यूसर सेफ पॉइंट इज टर्म एज एक्यूएल, मतलब एक्यूएल पे है अगर आपकी क्वालिटी आ रही है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में, तो क्या रहेगा, प्रोड्यूसर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अदरवाइज एक्यूएल के ऊपर में जा रहा है अगर आपका प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, मतलब लॉट क्या होंगे, मैक्सिमम चांसेस रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मतलब दैट इज अ प्रोड्यूसर रिस्क। नाउ नेक्स्ट वन इज अ लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव। तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ आरक्यूएल। आरक्यूएल मतलब क्या होता है, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, मतलब एक्यूएल के और एलटीपीडी के बीच में तो ये एक्सेप्टेबल रहेंगे, लेकिन एलटीपीडी के ऊपर या एलटीपीडी से कौन सा क्वालिटी लेवल स्टार्ट हो रहा है आपका, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, मतलब इसके ऊपर में अगर आपके प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आ रहे हैं, मतलब दैट लॉट इज डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे लॉट आपका एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं, दैट लॉट विल बी डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल। इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव विच कंज्यूमर फाइंड डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ पे जो भी डिफेक्टिव मिल रहे हैं इसके ऊपर में वो क्या करेगा, लॉट को कंज्यूमर रिजेक्ट करेगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था, अगर इस जोन में भी अगर कंज्यूमर वो लॉट को एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज द रिस्क ऑफ द कंज्यूमर।
So that is all about the lot tolerance percent effective or RQL, that is rejectable quality level. As RQL is unacceptable quality level, the probability of acceptance is very low. तो यहाँ पे probability of acceptance क्या है? Very low. दिख रहा है आपको यहाँ पे probability of acceptance क्या है? Very low. In fact, the probability of acceptance a lot LTPD represent the consumer risk. मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये indicate consumer risk indicate कर रहा है. यहाँ पे probability of acceptance क्या आपका बहुत ही कम है. तो also the consumer will accept this. लेकिन यहाँ पे देखिए probability of acceptance कितना था आपका? Higher level पे था. दो also the consumer reject this. That is a producer risk. Now average outgoing quality limit. तो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी और एओक्यू मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एवरेज परसेंट डिफेक्टिव इन द आउटगोइंग प्रोडक्ट आफ्टर इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्टेड एंड ऑल रिजेक्टेड लॉट विच हैव बीन 100% इंस्पेक्टेड एंड डिफेक्टिव रिप्लेस्ड बाय द नॉन डिफेक्टिव. मतलब यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है? एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल में सपोज 100 का आपका लॉट है, 3 वहां पे डिफेक्टिव आए, तो तीनों भी डिफेक्टिव को क्या किया आपने? अगेन 100% पूरे लॉट को बाद में क्या किया आपने? 100% इंस्पेक्ट किया. उसमें अगर 10 डिफेक्टिव आ रहे हैं तो 10 डिफेक्टिव को क्या कर रहे हो आप? रिप्लेस कर रहे हो बाय द 10 गुड प्रोडक्ट. और पूरा लॉट कहाँ पे भेज रहे हो? टू द कंज्यूमर. दैट इज द एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट. द यूनिट आउटकम अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर आर प्रिपेयर सिंगल डबल सैम्पलिंग प्लान for the given lot size, sample size, acceptance number. Summary of today's lecture. Today we see introduction to acceptance sampling. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. The important question asked in MSBT exam are construct the actual operating characteristics curve and explain it or explaining detail OC curve and show following element on OC curve, that is alpha risk or producer risk. ये exam में आता है इस type का question, तो यहाँ पे confused नहीं होना है. अगर आपको alpha risk पूछा है मतलब क्या होगा? That is the producer risk. Beta risk अगर आपको exam में पूछा है, that is the consumer risk. और then AOQ और AOQL, then LTPD. Okay? So these are the various definition is also asked in the exam for the 5 to 6 mark or 6 mark or 4 mark. That depends on the depth of the question. Next lecture we see types of sampling plan. Thanks. For any query, contact to this number.